देखिएगा, सुबह का टाइम हो गया, ये बाप बेटी का प्रेम देखिए, इनको उठना नहीं है, इनका कहना है कि पापा अभी आपके पास सोएंगे हम। देखिए ये कब उठेंगी पता नहीं, कैसी उठ क्यों रही हो, ये अपने बच्चों को बिगाड़ के रखेंगे इसे। हेलो गाइस, आज बहुत ही खुशी का दिन है और वो लड़का आएगा। खुशी का दिन ये है गाइस कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। बेटा मतलब कौन, मेरी अच्छा। दीदी का बेटा यानी मेरा बेटा। बाबू बात कर लेते थोड़ा। हाँ आज पूरा हमारा सेट कर दे सब साफ। और रही बात इसकी कि आज हम लोग का फिर पार्टी बनता है और हम लोग को फिर एंजॉय करना है। ब्लॉग में बने रहिए, सब दिखाएंगे। नहीं देखा जाता है शनिवार सर पे से नहीं ना ऐसा कुछ नहीं है। आज विदेश आ गए इसीलिए। हम इंडिया में तो इंडिया की बात करेंगे ना, क्यों गाइस, हम इंडिया में है तो हम इंडिया की बात करेंगे, हम तो विदेश की बात करेंगे। मेरा जो कल्चर है हम उस कल्चर को अपनाएंगे ना। शनिवार को हम लोग बाल नहीं धुलते तो बाल क्यों धुले। और क्या नाश्ता पानी वाह, जो देंगे वो खाएंगे, नहीं दोगी नहीं खाएंगे। वाह, और नहीं देंगे तो क्या छोड़ देंगे, बोलिए, नहीं देंगे तो क्या छोड़ देंगे हैं? तब तो बात यहाँ पर ये होगा क्या क्या, ये आप समझ ही सकते हैं क्या लोग बोलता है। अरे यही तो सीख के आई हो, क्यों गाइस। ऐ मैडम जी उठिए, इनका नींद ही नहीं टूट रहा, पता नहीं कितना देर तक ही सोएंगी। उठो उठो, ब्रश व्रश करो। मेरा बेटा यानी दीदी का बेटा तो भाई सबका बेटा, हमारी मेरा बेटा जो है तो मेरी दीदी का बेटा, तो बेटा जैसा ही ना सब हुआ। तो आज उसका बर्थडे है और बर्थडे है तो आज इंजॉय तो बनता है और हम लोग का पार्टी है, खूब इंजॉय करेंगे। वीडियो बन सकेगा तो दिखा देंगे आप लोगों को। पार्टी अटेंड करो, मस्त रहो, खाओ पियो, कौन क्या बोल रहा है दिमाग में मत लाओ। आज जिसकी जो आदत होती है गाइस वो तो बोलने से मतलब बोलने से बचता नहीं है। बोलने वाले को बोलने दो, भगवान दो कान दिए, एक कान से निकालो एक कान से। देखिए गाइस आज के डेट में किसी को ना कुछ किसी का खुशी देखा नहीं जाता है। हाँ तो बस मस्त रहिए और इंजॉय कीजिए। देखिए गाइस सो के उठ गई है, ये भींग गई है बारिश में, दो दिन एक लगातार भींग गई है। इसको मना किए थे कि बारिश में मत भींगो मत भींगो, और इसको बुखार नहीं खांसी आ रही है इसको। इधर देखो कैसी चेहरा उतर गया एक दिन में ही, दो दिन ये भींग गई है, एक लगातार दो दिन भींग गई है। चलो हम अदरक की चाय बना। क्या बना रही हो? कड़ी चावल। ये क्या है? कड़ी का गुण बड़ी, ये मतलब कड़ी का कड़ी है, ये कड़ी का गुण बना रहा है। ये पानी में डाल दिया ना, हाँ तो सॉफ्ट हो जाता सही रहता समझी, ऐसे कड़ा कड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसको तुरंत निकाल लेंगे, नहाने आ रही थी क्या? नहा लो तो नहा के अपना नाश्ता पानी करो। वो कड़ी पत्ता लिया तो के तो इसको क्या हुआ है यार, सो गया क्या? उठो जी, कुछ पता यही है ना, लग तो यही रहा है। मम्मी क्या कड़ी पत्ता यही है ना? तो तुमसे पूछ मम्मी फायदा क्या, जब तुम पूछ रही हो तो इसको यही नहीं पता है कड़ी पत्ता कौन सी है। तो यही है ना, और कौन सा है? इतना बार तुमको पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, सर पर ऐसा तुमको कड़ी पत्ता पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या है गोल गोल ब्लैक कलर का, आधा क्या तुमसे करने का तब? अरे ये क्या लग गया यार, बिल्ली आने जाने के लिए। बिल्ली का ये देखिए गाइस,
बिल्ली को अंदर लाने के लिए। अच्छा कौन बुद्धिमान इंसान ये लगाया है? पापा ना, मतलब गाइस बिल्ली इसके ऊपर से भी छलांग मार सकती है। अरे क्या बोले, एक दिन हम बीमार क्या पड़ जाते हैं, घर वालों के पास बुद्धि नहीं आती है। हम तो ये सोच रहे हैं भगत सिंह भी नहीं रहे, मम्मी गांधी जी भी चले गए, हम भी आजकल बीमारी चलते हैं, देश कौन संभालेगा? हुआ क्या है? हमको कुछ नहीं हुआ है। और तो मत भी मत। अरे जरा इधर देखो तो, नहीं किसी जाओ तो जरा सामान लेके आना है। अरे नहीं व्लॉग में झूठ क्यों बोलती हो? जाओ तुम्हारा जय श्री राम का कॉल आ गया। देखिए किसका कॉल है, नेपाली मौसी। हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा। आवाज नहीं आएगा, बहुत बात करती है ये लोग, सुबह से लेके शाम तक पता नहीं क्या बात रहता है ये लोग। अच्छा काम कौन करता है, नौकर करता है क्या? तो क्या हम लोग, हमको पापा को तो नौकर बना के रखी हो घर का। अरे बाबा, अरे बाबा, नौकर बन के रखा है। देखो तो कॉल क्यों, कॉल की इतना कॉल क्यों आ रहा है उनका? अच्छा हाँ दीदी बोलो, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ कहाँ बिजली चमक रहा है? अरे वो हरिद्वार रहती है ना, तो हम नहीं तो ये प्रलय आ गया है जी, प्रलय गई है। अभी 2:30 बज रहा है और मम्मी रूम में सोई है। अब मम्मी को एक भी जगाने नहीं आई है कि कैसी ब्लॉग डालना है। ब्लॉग को एंड भी नहीं किया है, फोन मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, ना ब्लॉग का चिंता ना कोई चिंता, जाके उस रूम में सोई हुई है। ब्लॉग बन चुका था सुबह से लेके, और आज का ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, 3 बजे जाता है, ऐसे चला जाता है, रोज 2 बजे तक चला ही जाता है। अभी 1:30 बज रहा है, अभी उसको एडिट करेंगे, सब कुछ करके फिर डालेंगे। सोई हुई है, कोई चिंता नहीं है, खाना ना खा लिया मम्मी, हम मना कर दिए थे खाना खाने से अभी, क्योंकि नींद आ जाता तो मन नहीं करता है। तो हम जा रहे हैं अभी ब्लॉग एडिट करने। ब्लॉग को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।